हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे इंजीनियर्स की जो भी वैकेंसी आती है सारी की अपडेट मैं यहाँ पे देता हूँ, साथ में एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो यार, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको आप मिलने वाली है। ओके, सो अभी मैं बात करने वाला हूँ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। जैसे इसकी बात होती है गाइस, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है खुश तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपसेट डिसअपॉइंट ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप लोगों की सब कुछ हो गई थी, यू नो फॉर्म फिलअप हो गया, सारा कुछ हो गया था, लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हो रही है, ना मेरिट लिस्ट निकल रहा है। तो इसको लेकर जो बीपीएससी के कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ग्रुप्स, उनकी जो ग्रुप्स है बीपीएससी की, उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे डिसाइड किया है कि जिसके थ्रू विभाग जल्द से जल्द आप लोग की काउंसलिंग अटेंड करे, मेरिट लिस्ट निकाले। तो क्या चीज़ है जो ग्रुप्स ने यहाँ पे उसको क्रिएट किया है, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी पेशेंस होकर देखेंगे तो आई होपफुली आप लोग समझ पाएंगे। ओके, ऑलराइट। सो मैं अपने ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि बीटीएससी के रिगार्डिंग जो बीटीएससी की कैंडिडेट्स है उन्होंने क्या यहाँ पे की चीज़ क्रिएट किया है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे चांसेस है कि विभाग आप लोग की डेट या कुछ ऐसी नोटिफिकेशन रिलीज करे, जिससे ये तो पता चले कि एटलीस्ट विभाग के मन में क्या चल रहा है, कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। और सबको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, लेकिन अदर भी यहाँ पे वे है काउंसलिंग लेने का, ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकती है, विभाग सब कुछ कर सकती है अगर चाहे तो, बट क्या रीजन है विभाग के पास वो हम लोगों को तो नहीं पता है। सो देखते हैं क्या ग्रुप्स में जो जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट किया है, क्या रास्ता निकाला, मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, आई शो यू। तो चलिए सीधा देखते हैं। तो जैसे आप लोग मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, हरिंग रोड, पटना। विषय में है कि आपके आयोग द्वारा कन्या भिन्नता के पद पर नियुक्ति है, तो विज्ञापित विज्ञापन संख्या 01/2019 का काउंसिलिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में है। चलिए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे लिखा हुआ उपरोक्त प्रासंगिक विषयक निवेदन पूर्वक अर्ज करना है कि बिहार में पिछले एक दशक से कन्या भिन्नता के पद पर नियुक्ति हेतु बहाली नहीं आई है, जिससे पॉलिटेक्निक के छात्र पिछले एक दशक से बेरोजगार है तथा कन्या भिन्नता के पद पर नियुक्ति हेतु बहुत ही उम्मीद से आशा लगाए हुए हैं। सो आपके आयोग द्वारा 9 मार्च 2019 को ही कन्या भिन्नता के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था, परंतु विभिन्न कारणवश हाईकोर्ट में याचिका दायर होने की वजह से बहाली प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होती रही है। परंतु 13 जनवरी 2020 के न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश के उपरांत अब बहाली प्रक्रिया संपन्न होने में किसी भी तरह का अड़चन नहीं रह गया है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के वजह से बहाली प्रक्रिया कुछ बाधित हुई है, परंतु फिर भी काउंसलिंग लिस्ट तैयार करके रखा जा सकता था। अब चूंकि लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है, तो बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यथाशीघ्र काउंसलिंग लिस्ट जारी कर काउंसलिंग करवाने की कृपया करें, ताकि दशकों से बेरोजगार छात्रों को रोजगार मिल सके। इसके लिए हम सभी बेरोजगार छात्र श्रीमान का सदैव आभारी रहेंगे। तो इस चीज को क्रिएट किया गया है बीटीएससी के ग्रुप वाइज, ऐसा इसको विभाग को सेंड करें और वहां पे विभाग का जान पाएंगे मंशा क्या है, आखिर किस रीजन के कारण यहाँ पे कोई नोटिस नहीं निकल रही ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सो ये सारी अपडेट थी, आई होप फुली आप लोग समझ गए होंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो वो भी यहाँ पे इस चीज को समझ पाए और साथ दे पाए जो ग्रुप है बीटीएससी के। तो आई होप फुली वीडियो का भी आप लोग को देखिए इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड विश यू वेल्थ।